अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्यार में लोग सच में पागल हो ही जाते हैं। कौन पागल हुआ? आप बड़े भाई, आप और कौन? सीधी मैगजीन उल्टा करके पढ़ रहे हैं, थोड़ा मेरी इज्जत का तो ध्यान रख लिया होता। लोग बोलेंगे कि सुफियान सिद्दीकी सूफी का भाई उल्टी मैगजीन पढ़ रहा है, पागल हो गया। आपने मुझे गुस्सा नहीं किया भाई? आजकल मैं सिर्फ खुद पे गुस्सा करता हूँ। स्ट्रेस मत लो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब छोड़िए, बता कि अबू के लिए गाड़ी भेजी एयरपोर्ट। हाँ वो मैं भेजने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे अबू घर आ चुके। सोफी, अबू। अरे हफीज साहब, दुआ बेगम ने बोला था कि आप आने वाले हैं, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये नहीं सोचा था। सब खैरियत से है ना? आप ठीक है ना? कायनात, मुझे सुबान से अकेले में बात करनी है। आप हम दोनों बाप बेटे को अकेला छोड़ दीजिए, ये मेहरबानी होगी। हाँ लेकिन ऐसी भी क्या बात है, सब ठीक है ना? कोई परेशानी है क्या हाफिज साहब? कायनात, कोई परेशानी होगी तो तुम्हें बता देंगे। सूफी जी, अबू मम्मी को अंदर लेके जाओ। जी चलिए अम्मी। सुबान, तुम्हारी आवाज सुन के मुझे एहसास हो गया था कि तुम परेशान हो। क्या बात है बताओ? मुझे पता है कि मामू जान से किया हुआ वादा इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हारा पैशन, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा म्यूजिक, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर बनना है तो उनके जैसा बनो जो मजहब के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान कर बैठे हैं। अगर हीरो मानना है तो उन्हें मानो जो अल्लाह की राह पे चलते हैं। ये गंदे शौक, ये गंदे लोग तुम्हें तहजीब से दूर रखते हैं। सुभान, लंदन से यहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बताओ बच्चे क्या हुआ? अब वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि दादी अम्मी, अब वो दादी अम्मी ठीक नहीं है। मुझे लगा मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तो शायद आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, उन पे मुसीबत आ पड़ी है। सुभान, मुसीबत? कैसी मुसीबत? अबू मैंने बताया नहीं आपको दादी अम्मी को। सुभान, अम्मी को सांप काट गया, अम्मी कोमा में है, तुम मुझे अभी बता रहे हो? कहाँ है अम्मी? सुभान कहाँ है अम्मी? अम्मी, अम्मी, ये बात तो अब्बू को हम बाद में बताने वाले थे ना, आपने अचानक ही बता दी। और जो मेन बात है वो नहीं बताई होगी भाई, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, बता देते म्यूजिक वाली बात। अरे यार, अब्बू को दादी के बारे में बताना बहुत जरूरी था, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता हूँ। अरे म्यूजिक के बाद मैं उनको बता दूंगा। अरे लेकिन भाई, क्या हो गया अम्मी? आपके साथ इतना कुछ हो गया और मैं आपके साथ नहीं था। मैं कितना बुरा हूं अम्मी, मैं एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया, मैं आपकी खैरियत नहीं पूछ पाया, ना मुझे बच्चों ने आपके बारे में कुछ बताया। सुभान आपको बताना चाहता था मामू जान, मैंने उसे रोक दिया। आपको भी ब्लड प्रेशर की कंप्लेन रहती है, हमें फिक्र थी कि ये खबर सुन के आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए नानी अम्मी की तबीयत का राज आपसे छुपाना पड़ा। पर आप फिक्र मत कीजिए, नानी अम्मी बहुत जल्द एकदम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। खुश रहो बेटा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अम्मी ठीक हो जाए। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मामू जान।
मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है मुझे इस बात का अंदाजा है इबादत। तुम्हारे मामू जान तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, इसलिए अल्लाह मुझे ये सजा दे रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तुम्हारे मामू जान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे इबादत। शुक्रिया मामू जान, मुझे यकीन था कि आप मेरा साथ देंगे। मम्मी आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, अल्लाह आपको जल्दी ठीक कर देंगे। कैसी है आप? बात करनी थी आपसे, माफी मांगनी थी आपसे। मुझे माफ कर दीजिए नानी अम्मी। I'm sorry, नानी अम्मी, मेरे हिस्से की सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। नानी अम्मी, ये सब कुछ मन्नत का किया तरह। मन्नत मुझे मार देना चाहती है नानी अम्मी। उसने मुझे मारने के लिए इस घर में सांप मंगवाया था और मेरी जगह उस सांप का शिकार आप बन गई। सांप ने आपको काट लिया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सॉरी नानी अम्मी। नानी अम्मी, मैं उस मन्नत को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने जो ये किया है ना, ये गुनाह, इसकी सजा उसे दे कर रहूंगी। कुछ बोलिए ना नानी अम्मी, मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। नानी अम्मी प्लीज, बस एक बार कुछ भी कह दीजिए, मेरा दिल तरस रहा है आपकी आवाज सुनने के लिए। मुझे आपकी हिम्मत की जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है। मुझे मन्नत को सजा देनी है नानी अम्मी। उसने किचन में कुकर्स ब्लास्ट करवाए नानी अम्मी। सुभान की भी जान जा सकती थी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। वो क्या कुछ नहीं कर रही है। मुझे उसके साथ लड़ना है नानी अम्मी। और हर उस लड़ाई में जब तक आप मेरे साथ थी, मुझे हौसला था। अब आपने मेरा साथ छोड़ दिया नानी अम्मी, ऐसे कैसे चलेगा? आप है ना मेरे साथ, आप देंगी ना मुझे हौसला? बोलिए ना, तो बोलिए नानी अम्मी। आपने नानी अम्मी, इसका मतलब आप मुझे सुन पा रही हैं? अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है नानी अम्मी। नानी अम्मी, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।